दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुआ जलभराव। कलकत्ता के लोगों ने कहा बारिश से गर्मी से मिली राहत। ज्योति नगर में दो युवकों ने अलमारी से लाखों की ज्वेलरी और कैश पर किया हाथ साफ। घर के अंदर दोनों आरोपी ताला ठीक करने के इरादे से घुसे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों ने कहा प्लास्टिक बैन होने से होगी परेशानी। पहले सरकार कोई विकल्प दे, उसके बाद करे प्लास्टिक बैन। पांडव नगर की एक सोसाइटी के फ्लैट में देर रात लगी भीषण आग। कांस्टेबल दीपक ने मौके पर पहुंचकर बचाई मां और बच्चे की जान। दीपक ने मौके पर पहुंचकर घर से निकाला सारा सामान। पूर्व निगम पार्षद संदीप ने कहा लोगों से कर रहे टैक्स जमा कराने की अपील। पूर्व मेयर ने कहा हम तारीख आगे बढ़ाने की कर रहे कोशिश। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिछले काफी दिनों से तपती गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ था। उमस भरी गर्मी और तपिश से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वीरवार को मौसम ने करवट ली, जिसके बाद सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिली। लगातार होती बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी है, लेकिन कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली के कई अंडरपास में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लोगों को सड़कों पर भरे पानी से गुजरना पड़ा। लेकिन अब मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति हर दिन देखने को मिलेगी। पूर्वी दिल्ली के कलकत्ता के लोगों का कहना है कि बारिश से काफी राहत मिली है। गर्मी की वजह से जीना मुश्किल हो गया था, अब मौसम ठंडा हो गया है, जिससे काफी राहत मिल रही है। सारे बहुत ही खुश हैं। आज बहुत दिनों बाद ठंडा मौसम हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी समय से जब से गर्मी पड़ी रही है, बहुत तेज पड़ी, जब से काफी समय से इंतजार था बारिश का, आज हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम भी। मौसम मेरे हिसाब से तो ये पानी कल तक पड़ना चाहिए बराबर, जब भी मौसम बिल्कुल फ्रेश होगा, साफ होगा, सुंदर होगा। बरसात से तो देखो जी बहुत राहत पहुंची है दिल्ली वासियों को, और कई दिन से गर्मी इतनी तपिश चल रही थी कि लोगों का घर में रहना भी दुभर हो रहा था। तो ये भी सांस वगैरह लेने में भी दिक्कत थी, बच्चे निकलने में बाहर में दिक्कत हो रही थी, बड़ों को बुजुर्गों को बड़ी समस्या हो रही थी। हाँ, पॉल्यूशन में भी कमी आएगी और एटमॉस्फेयर भी सही हो जाएगा, वेदर भी ठीक, वेदर ऐसे चलती रहे दो चार दिन तो परमात्मा की कृपा रहे। हम तो काम पे से आ रहे हैं, इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे। अच्छा। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा। हाँ मैम, बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत खुश हैं। हाँ तो परेशानी है, उससे ज़्यादा तो खुश है ही हैं। मौसम ऐसे ही बना रहा है और क्या होगा। हाँ, पोल्यूशन में रात में सबको रात मिल रही है, आपको भी तो रात मिल ही रही है। जब खड़े हैं आप तो हम भी तो भीग रहे हैं पानी में तो। अरे दो चार दिन से तो मैडम बहुत राहत है, दो चार दिन से बड़ी बुरा हाल था, जो पसीने भी निकले जा रहे थे, और रात तो बहुत राहत है, बहुत सुकून है। बारिश होती रहे परमानेंट जब तक गर्मी है। हाँ थोड़ा बहुत तो जलभराव दिक्कत होती है मैडम गाड़ी वालों को। पाँच मुख्य समस्याएं हैं जिनके ऊपर किसी तरह की कोई भी नेता सुनवाई नहीं कर रहा है। पहली समस्या हमारी है सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखिए ये पहली बारिश के अंदर हमारी नालियों का क्या हाल है, भरी पड़ी हैं, जहाँ पर आदमी को चलना दूभर हो रहा है। हम किसके पास जाकर फरियाद करें। कई बार हम एस के बग्गा जी के यहाँ गए हैं, उनको हमने प्रेजेंटेशन भी दिया है, उनको कई बार रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मल्होत्रा जी को भी यहाँ पे बुलाया है, उन्होंने भी आकर देखकर चले जाते हैं, कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। अब बताइए उनके पास फंड नहीं है तो दूसरी जगह के ऊपर कैसे काम हो रहा है। क्या पंडित पार के जो है सुतेले हैं यहाँ पे? की समस्या रखते हुए पंडित पार्क की, पंडित पार्क में जैसे जल भराव के बारे में काफ़ी हम लोग बार लोकल MLA एस के बग्गा जी को हमने काफ़ी दफा पत्र और RW की समस्या के बारे में हम मिलके आए हैं उनसे, पर पिछले दो साल से हम इनके साथ मिल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। बग्गा ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, कभी कोई बहाना, जहाँ पे सड़कें सही हैं वहाँ तोड़ के वो दोबारा बना रहे हैं, और जहाँ सड़कें खराब हैं, जहाँ जल भरा हुआ है, वहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। नालियाँ टूटी पड़ी हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जाम पड़ी हुई हैं और सीवर बिल्कुल दबे पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी का ब्लॉकेज रुका रहता है और आए दिन यहाँ पे कोई ना दुर्घटना होती रहती है। हमने इस
बारे में बग्गा जी को कई दफ़ा हमने बोला कि ये हमारी रोड सही कराइए और हमारी नाली सही बनवाइए और यहाँ की सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हुई है। दो साल पहले जब आसपास की सारी गलियों को बना दिया गया, सिर्फ एक गली और एक इसके आगे एक नंबर गली, इन दो गलियों पर ही ध्यान नहीं दिया गया जो पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं, जहाँ पर पूरी नालियाँ जाम हैं और जहाँ पर गैस लाइन भी नहीं आई है और जबकि सब जगह गैस लाइन भी आती थी। यमुना पार के ज्योति नगर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया जहां ताला ठीक करने के लिए घर में दो युवक ने अलमारी से करीब लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया और इससे पहले किसी को पता चलता दोनों ही मौके से फरार हो गए। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आरोपियों ने इस वारदात को घर वालों के सामने ही अंजाम दिया और घर वालों को इसकी खबर तक नहीं लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी ज्योति नगर पुलिस को दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घर में चोरी हुई है, दो सरदार थे जो आए थे और ताला बनाने वाले थे वो, तो उनसे हमने कहा कि भैया ऑफिस का हमारा ये ताला सही कर दे, तो ऑफिस का ताला सही करते करते कहने लगे कि इसकी मिलती जुलती चाबी ला दो। मेरी घरवाली ने घर से चाबी ला के दी उसको, मिलती जुलती चाबी, उसको उन्होंने जानबूझ के मोड़ दिया। फिर कहा कि भाई मेरी घरवाली अंदर गई, सेफ में चाबी लगा के देखी तो वो ताला खुला नहीं। मेरी घरवाली वापस आई, आके उनसे कहा भैया ये तो चाबी तुमने मोड़ दी, ये तो सेफ खुल नहीं रही, तो वो कह रहे कि हाँ जी हम अंदर जाके सेफ खोल देंगे तुम्हारी और ये चाबी भी सही कर देंगे। वो अंदर गए हैं और उसको जो है सही कर दिया और उसमें कोई सरसों का तेल लगा के कहा कि 20 मिनट बाद खोल लेना इसे। 20 मिनट बाद जब वो खोली है अलमारी तो सोने का सामान गायब था। तीन चार लाख के आसपास तो सामान था ये जी। एक जुलाई से सभी प्लास्टिक और थर्माकोल का सामान बैन हो जाएगा जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। दुकानदारों का कहना है कि सरकार पहले कोई विकल्प ढूंढे और उसके बाद इन सभी सामानों पर बैन लगाए, क्योंकि अभी कोई विकल्प जनता के पास नहीं है, ना ही दुकानदारों के पास कोई विकल्प है। प्लास्टिक बैन होने से पब्लिक को भी काफी परेशानी होगी क्योंकि शादी के फंक्शन में हर जगह थर्माकोल का ही इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये बैन जो लगने जा रहा है कल से, अच्छी बात है कि लगना चाहिए। प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को दूषित करता है, लेकिन इसका जो शुरू करने का जो सिस्टम बैन करने का, ऊपर से लेकर नीचे आए ना, बड़े जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, अब तुम देखोगे जो भी दूध जितना आता है प्लास्टिक की थैली में आता है, बच्चों के खाने वाले जितने भी चिप्स आते हैं प्लास्टिक के पॉली बैग में आते हैं, तो पहले वहाँ से रोक लगाते हुए नीचे तक आए ना। अब सीधा ही सीधा जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे जो बेचारे काम करने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले टारगेट करना, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो सरकार को चाहिए जो पहले एक एग्जांपल फिट करें कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं उनको सबसे पहले बंद करना है, उसके बाद वो जब एक एग्जांपल फिट हो जाए कि देश में प्लास्टिक बैन ही है तो उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढेंगे सारे लोग। अभी तो नहीं है कुछ, क्योंकि अभी सारी चीज़ें करें, पन्नी वगैरह भी हो जाएंगी बैन, फिर नमकीनों में भी हो जाएगी, फिर दिक्कत कैसे रखेंगे, परेशान तो बहुत होगी। कि अब हमारा मेन नमकीन का ही काम है, नमकीन ही फिर पन्नी वगैरह में नहीं रख सकते तो और देंगे कैसे फिर। अगर बैन ही करनी है तो पहले और कोई चीज़ निकाले, इसके लिए सॉल्यूशन निकाले पहले और कोई, जब जाके करनी चाहिए ऐसे अचानक से थोड़ी। मैडम बैन तो डोना पत्तल पन्नी वन्नी सब हो रही है बैन, लेकिन सबसे पहले तो बात ये है, मुद्दा ये है, अगर चीज़ बंद कर रही है सरकार, उसको चीज़ साधन चलाने के लिए दूसरी चीज़ निकाली जाए पहले। चीज़ बंद करो कोई बात नहीं, मगर दूसरा साधन तो हो कि लोग जो शादी ब्याह होती है, जो ये हमारी फंक्शन होते हैं, ये डोने पत्थर से जुड़े हुए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो काय में खाएंगे। मान लो सरकार ये जैसे अपने यहाँ कुछ मंगा रही है खाने पीने के लिए, वो हाथ में तो कोई लेगा नहीं, वो भी तो किसी चीज़ में तो लेंगे ही। सबसे बड़ी बात यह है जी, चीज़ बंद करने से पहले उसको आगे यूज करने के लिए दूसरा साधन दीजिए। तो वही पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके की एक सोसाइटी के फ्लैट में देर रात आग लग गई। फ्लैट के अंदर सो रही एक महिला और महिला का 3 साल का बेटा बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की बीट कांस्टेबल की तत्परता के कारण बिल्डिंग में आग फैलने से बच गई और जब फ्लैट में आग लगी तो इसी दौरान थाना पांडव नगर में तैनात कांस्टेबल दीपक टीम के साथ इलाके में ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। वायरलेस पर मैसेज सुनते ही मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्दी से दीपक मौके पर पहुंच गए और घर से सारा सामान बाहर निकाल दिया जिससे कि आग फैलने से बच गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही आपको बता दें कि कांस्टेबल दीपक और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उनका कहना है कि अगर दीपक समय पर नहीं पहुंचते तो आग पूरे घर में फैल सकती थी। कल रात में मेरे घर में कुछ
कुछ एसी में फायर की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से आग लग गई थी, जिसके बाद मुझे मैं अपनी नाइट शिफ्ट में था तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैं वाइफ ऑलरेडी मेरी पुलिस को कॉल कर चुकी थी वहाँ के कॉल नंबर पर और फायर को भी कर चुके थे हमारे नेबर्स, और नेबर्स ने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। और उससे फायर एम्बुलेंस आने से पहले ही हमारा PCR आ चुका है, जिसमें हमारे कॉन्स्टेबल थे मिस्टर दीपक, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत चीज़ें बाहर निकालने में मदद की और आग को काबू पाने पर उन्होंने। घर के अंदर मेरी वाइफ और मेरा बच्चा सो रहे थे। अच्छा। और जैसे ही वो आग उनके रूम में मतलब वो कर्टन से आग गिर के नीचे आई तो सडनली मेरी वाइफ की आँख खुली और जैसे ही वो स्मोक हो रहा था उसने अपना सामान जो भी थोड़ा बहुत देखा है वो लेके बाहर आ गया और सारे नेबर्स को उसने इन्फॉर्म किया कि ये आग लगी है तो आप भी थोड़ा सा सेफ होकर नीचे आ गई। 15% प्रॉपर्टी टैक्स छूट पर टैक्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि टैक्स की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और हमें उम्मीद है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व पार्षद कंचन महेश्वरी का कहना है कि अभी लोगों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जागरूकता नहीं आई है, पहले लोगों को समझाया जाएगा। और संदीप कपूर का कहना है कि पूर्वी दिल्ली के प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ाए गए हैं और संदीप कपूर ने लोगों से टैक्स जमा कराने की अपील की। आगे क्या कुछ कहा सुनिए आप। आज संपत्ति का जमा करवाने की अंतिम तिथि है, आज तक आपको 15% की छूट मिल रही है। यदि मकान किसी महिला के नाम है तो 30% छूट मिलने वाली है। हमने विशेष अधिकारी अश्विनी कुमारी से मिलकर उनसे बातचीत की है, हमने उनको कहा है कि अभी लोग यूपी के नंबर नहीं आए हैं, उनको टैक्स भरने में परेशानी हो रही है, आप इसकी डेट को बढ़ाइए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि डेट को बढ़ाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि डेट बढ़ेगी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आपके पास पैसा है, आपका यूपी नंबर आ चुका है तो आज ही अपना टैक्स जमा कराएं, क्योंकि जो आपका टैक्स का पैसा है वो कर्मचारी तनख्वाह देने के काम आता है, जो आपका पैसा है वो निगम के विकास कार्य में काम आता है। समय से जमा कराएं, निगम को मजबूत बनाएं। EDMC में जो हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनका हाउस टैक्स हमेशा बढ़ जाता था, जिसको कम कराया जाता था हमारे मेयर के द्वारा, परंतु अब तीनों MCD जब एक हो गई हैं तो तीनों MCD के लिए एक ही रूल होना चाहिए। जब दोनों MCD में चार्जेस नहीं बढ़े हैं तो EDMC में भी चार्जेस नहीं बढ़ने चाहिए और पूरी MCD का एक ही रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पूर्वी दिल्ली का भी हाउस टैक्स का जो स्लॉट बढ़ा है उसको कम करना चाहिए और थोड़ा सा समय बढ़ाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम में खासकर पूर्वी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले MVC 3 म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी 3 के रूप में अपनी एक कमेटी से पूर्वी दिल्ली के जो हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन लगातार हम जो है डिस्काउंट देकर उन रेट को कम करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल उसमें समस्या आई और उस समस्या को भी दूर करके जो बढ़े हुए रेट हैं पूर्वी दिल्ली में उन्हें कम करने की प्रयास चल रहा है। और उसके साथ साथ ही जो 3 महीने का पीरियड है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है उसको भी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जिनका टैक्स बनता है वो जल्दी से टैक्स जमा करवाएं और हम भी जो नागरिक सुविधाएं उन्हें अच्छे से लोगों को दे पाए। शादी के महज 20 दिन बाद ही पति को छोड़कर पत्नी घर से चली गई, जिसके बाद गांधीनगर के कैलाश नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल लड़की के दोस्त पर शक था कि वो लड़की को लेकर गया है, तो परिवार ने उसके दोस्त के घर पहुंचकर बहुत जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वो थाने पहुंचा तो पुलिस ने समझौता करा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्त और उसके भाई पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। हमले के बाद घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। देर रात इलाज के बाद घायल के बयान पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। शादी तो जी सही हुई थी, मैं उसका बहनों ही हूँ लड़की का। यहाँ पर ही बार बार घर से भागे जा रही, इज्जत से उसकी यहाँ पर करा दी, सब कुछ बढ़िया हो गया और मैं सुकून से रह रही थी। इस्तेफाक से पता नहीं क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ कुछ देर में, उसके बाद से आई नहीं है जी। हाँ जी, हाँ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम आ रहे थे रास्ते में, पुलिस में इस टाइम हमारा जो जिस लड़की से शादी कराई थी वो लड़का है और एक उसका भांजा है, बाकी और लोग बता रहे फरार हैं।
और लोग सभी के हमीदों नाम डाल अपना भी एक दूसरे को मार तोड़ के केस बना दिया। सर ये मामला था, इनके पापा ने हमसे आके बोला, पहले शादी से पहले भी कई बार भाग चुकी है उस लड़के के साथ राज के हैं, और क्या नाम है, फिर इनके पापा ने मेरी भाभी से बोला कि नाम है मेरे अपनी नंद के देवर से करा दे हैं, सही रहेगी जैसे तू रहती है सही। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी की इज्जत है, गरीब आदमी है, मैंने करवा दी। और सबकी इसके इनके पापा की सबकी पूरी मर्जी से हुई है शादी, और 9 जून को शादी हुई थी और 15 दिन बाद भाग गई, कहने लगी ऐसा है मैं अभी आ रही हूँ जरा कहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा आ जाएंगे, इतनी भी पाबंदी है क्या है वो, पर वो ऐसी गई आई नहीं, नहीं तुरंत ही कंप्लेन एसआई वो है आईओ अलील आईओ। तो मैंने उनके पास कंप्लेन कराई थी, मैंने कहा अगर भैया कल को कुछ होता है उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। विवेक विहार इलाके में गौ ग्रास संस्था घर घर से गायों के लिए रोटी इकट्ठा करती है, जिसके लिए रिक्शे लगाए गए थे। आपको बता दें कि संस्था के योगेश भाटी ने बताया कि विवेक विहार इलाके में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है और ये 3 महीने में 3रा रिक्शा चोरी हुआ है। चोर सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं कि एक शख्स देर रात करीब 1 बजे ऑटो से आया और रिक्शा चोरी करके ले गया। भाटी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, बार बार शिकायतों के बाद भी चोरी की वारदात इलाके में थम नहीं रही है। कल रात को 1:10 पे रिक्शा चोरी हुई है, ऑटो में आया है, बकायदा उसकी फोटो आ रही है, उसमें उतरा है और साथ में ऑटो के साथ साथ रिक्शा आगे आगे गया और ऑटो लेके गया, रिक्शा चला के वो लेके गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार 12 साल हो गए हमें गौ सेवा करते हुए रिक्शा चलाते हुए, 12 साल में पहली बार हुआ है कि 3 महीने में लगातार ये 3री रिक्शा कल चोरी हुई है। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थाना विवेक विहार के जो पुलिस है, देखो पुलिस के तो आप कहीं लगा लो, मेरे तो आपको पहले भी चीज़ें आती हैं कि अपना काम अगर सही तरीके से करें तो सब चोर भी पकड़ा जा सकता है, सब काम करता है। 3 महीने में 3री जो वारदात है ये, पहली 2 वारदात में तो सीसीटीवी लेने का टाइम ही पुलिस के पास नहीं था, पर अभी भी मैं कल सुबह भी जो फुटेज आई है, अब जो आई है उन्होंने 1 फुटेज कल शाम के टाइम निकलवाई है, और जिस हिसाब से फुटेज है अगर ये पुलिस चाहे और ढंग से काम करे और इसको तहकीकात करे तो मेरे हिसाब से ये चोर की, क्योंकि फ़ोटो भी आ चुकी है, शक्ल इसमें साफ दिख रही है और कहाँ लेके जा रहा है रास्ते में नज़र आ रही है, और भी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने आज एक RTI भी लगाई है, मैंने थाना विवेक विहार के पिछले 1.5 साल की मैंने RTI के माध्यम से पता जानकारी मांगी है कि 1.5 साल में कितनी चोरी की वारदात हुई है, कितनी PCR कॉल आई हैं। मैं इसको छोटे लेवल पर नहीं, मैं इसको बहुत कुछ लेके जाऊँगा, अगर मेरे को खाली मेरी बात नहीं है, क्योंकि चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके से एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां बकराईद से ठीक पहले चोरों ने मकान को अपना शिकार बनाया। दरअसल देर रात एक मकान से चोरों ने 10 बकरों की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि किस तरह से बदमाश मकान के अंदर से बकरे लेकर आ रहा है और कार में रख रहा। पीड़ित पक्ष पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पुलिस पूरे मामले की लगातार जाँच कर रही है। सर मेरे यहाँ पे बकरे छोड़ रखे थे अभी 2 महीने पहले से, मेरे घर में शादी है मेरे भाई की थी इसी 24 की, तो मेरा मकान बनना था, मैंने यहाँ छोड़ दिया लाके, इसमें रह रहे थे। अब रात को जो है करीब 3:50 पे लोग तोड़ के बकरे निकाल के ले गए इसमें से। कितने बकरे थे और आप किसी 10 थे बकरे? ये बकरे मेरे शौक वाले बच्चे थे, ऐसी मतलब जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है, किसी को परेशानी हो जाती है तो दूध देने के लिए बकरियाँ आती हैं उसमें, ठीक है ना। और शौक था मेरा अपना, किसी को मना नहीं करते, मना की कोई मतलब दूध की कोई वो नहीं है कि सबको देना है ये अगर है तो। और जो घर से इधर ले आके रखे थे अभी चार, कुर्बानी के लिए भी कुछ बकरे लाए नहीं, कुर्बानी का कोई बच्चा नहीं था ऐसा। हमारा PCR आई थी, आने के बाद मैं थाने ले गई, वहाँ रिपोर्ट लिखी, कह रहे अभी कंप्लेंट अब तुम्हारी मतलब कॉल आएगी थाने से, तो अभी तक तो कोई कॉल आई नहीं है ना कोई हमारी, अभी कोई इतनी वो हो रही है, कह रहे हैं छानबीन कर रहे पुलिस वाले किसी। रात में लगभग 3:54 पे यहाँ पे मारुति से आए चार लड़के, होंडा सिटी से आने के बाद ये लॉक तोड़ा गया और लॉक तोड़ के जितनी इनकी बकरी थी सब गाड़ी में डाल के ले गए जी। पुलिस को कंप्लेन किया हमने और मुझे उम्मीद भी है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, अभी सुबह हमने कंप्लेन करके आए थे।
शाहदरा में आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए मैजिक शो आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के साथ मैजिक किया गया और साथ ही शाहदरा से आए हजारों बच्चों को स्कूल बैग भी बांटे गए। संस्था के सदस्यों का कहना है कि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और बच्चों को क्रेज भी है कि स्कूल जाने का, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से स्कूल बंद थे, जिसको देखते हुए हमने बच्चों को स्कूल बैग भी बांटे हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जनता की कैसे सेवा की जाए। अब जैसे छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, तो मेरा था कि मानना कि अब जैसे बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो मैं भी जब छोटा था मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं छोटा जब नया स्कूल में जाऊं तो नया बैग लेके जाऊं। तो इसी उद्देश्य से मैंने आज ये प्रोग्राम रखा है कि स्कूल में बच्चे जब अपनी पहली क्लास में जाएँ और नए बैग के साथ जाएं, ताकि सबको बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ हमें भी नए बैग के साथ हम आज स्कूल जा रहे हैं। देखिए आपको पता है बच्चे अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे 2 साल से घर में बैठे हुए थे। अब कहते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चों को उत्साह भी है कि हमने स्कूल जाना है, कुछ इतना कहते हैं ढील हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं जाना है नहीं जाना। तो बच्चे के पास कुछ नई चीज़ आती है, चाहे वो स्कूल बैग हो, लंच बॉक्स हो, वाटर बॉटल, तो बच्चों को देख के मन करता है नहीं हमने ये नया बैग लेके जाना है, नया बॉटल लेके जाना है, हमने स्कूल जाना है। तो इसीलिए बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो हमने यही सोचा कि इस टाइम पर बच्चों को सबसे ज़्यादा स्कूल बैग की आवश्यकता है। हमारा रजिस्ट्रेशन 800 से प्लस हो चुका है और हमें कोशिश हमारी है कि 1000 तक का हमारा है कि हमने 1000 बच्चों को बैग्स देने हैं, तो 800 प्लस हमारा रजिस्ट्रेशन बच्चों का हो चुका है। गरीब बच्चों के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और जितनी हमारी झुग्गी झोपड़ी में लोग बच्चे यहाँ पर रहते हैं उनके लिए चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हों, चाहे बैग बांटने हों, इस तरीके के अन्य कार्यक्रम करते रहता है। देखिए उत्साह तो आप बच्चों में देख ही सकते हैं और ये मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाले समय में शुरुआत हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं और आप जो बैग विनय चौधरी जी द्वारा फ्री दिए जा रहे हैं बच्चों के काम आएंगे। पूर्वी दिल्ली के AGCR एनक्लेव में श्री सहसत्र चंडी महायज्ञ 30 जून से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत सुबह कलश यात्रा के साथ हुई। ये यात्रा सीताराम मंदिर चंदू पार्क से लेकर AGCR तक आई। यहाँ पर नौकुंड भी बनाए गए और इस महायज्ञ में दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और भी कई जगह से संत यहाँ पर पूजा करने के लिए आए। संतों ने बताया कि आज से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं और ये पूजा भी 9 दिन तक चलेगी। विश्व कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण, सबके सुख और शांति के लिए, ये मैं 27 साल हो गया, मतलब ये 2 साल कोरोना की वजह से कर नहीं सके, तो ये 25वां भलाई के लिए, सबके सुख शांति के लिए, विश्व में जितने लोग हो कितने थोड़ा थोड़ा करने से नदी भरता है। तो जब हम संत लोग, ब्राह्मण लोग इतना वेद मंत्र द्वारा उसका हवन यज्ञ करते हैं, सबको सुख और शांति और अर्न और धन सबके घर सुख शांति के लिए करते हैं। विशेष रूप से कोरोना के लिए जिन लोगों ने सुख शांति, उनका आत्मा शांति नहीं कर सके, उनके लिए विशेष हवन यज्ञ कुंड बनाया गया है। जे संत लोग तो बड़े दूर दूर से आए हैं, कोई जगन्नाथपुरी से आए हैं, कोई अयोध्या जी से आए हैं, कोई हरिद्वार से आए हैं, ब्राह्मण लोग भी बहुत बहुत दूर दूर से आए हैं, अयोध्या से सारे ब्राह्मण हैं, कुछ बनारस के हैं। 30 तारीख से लेकर के 8 जुलाई तक एक नवरात्रा का पावन पर्व रहेगा और गुप्त नवरात्रा का मतलब होता है मन में कोई भी कामना आपकी गुप्त हो, इस जग में आने से निश्चित ही माता रानी पूर्ण करती है, ठीक है। और ये कार्यक्रम विश्व कल्याण के लिए, जिनके सगे संबंधी, जिनके माता पिता, जिनके पुत्र पुत्री या कोई भी दोस्त जो कोरोना में COVID-19 में चले गए हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए विशेष, क्योंकि हमें इस पूरे क्षेत्र से आ रहा था कि हम अपने माता पिता को दूर से देख भी नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं रंज था कि हम उनको आहुति भी नहीं दे पाए, हम शमशान घाट पर भी नहीं जा पाए। तो वैसा मद्देनज़र रखते हुए महाराज जी ने एक विशेष कोरोना के लिए यज्ञशाला बनवाई है, जहाँ पर सब लोग जिन्होंने रजिस्टर्ड भी कर दिया है सभी आमंत्रित हैं। पूरा AGCR, पूरा जहाँ महाराज जी का मंदिर है संत सेवादास जी का, पूरे नारकली से, जगतपुरी से, यहाँ अनेकों अनेक लोग, कम से कम भी मेरे ख्याल तो जो कलश यात्रा निकली है 500 या 700 के करीब महिला होंगी जो कलश यात्रा वहाँ से निकली है और सुबह वहाँ से प्रारंभ हो गई थी। ये कार्यक्रम 9 दिन चलेगा, जितने भी जन हैं एक कुंड पे 3-3 यजमान बैठेंगे, 9 कुंड है, 27 यजमान सुबह, 7 से 11, 27 2 से 5, तो डेली बैठेंगे और ये एक अनूठा कार्यक्रम है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।